नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी भाइयों का मेरी YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, आज मैं आप पहुंचा हूं उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक घोड़ाखाल गोलू देवता मंदिर। यह मंदिर नैनीताल के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस मंदिर के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ और हल्द्वानी से घोड़ाखाल मंदिर कैसे पहुँचें, वो भी दोस्तों मात्र 130 रुपये के खर्चे में। हल्द्वानी से घोड़ाखाल मंदिर पहुंचने में आपको कितना समय लगेगा, कितना किराया लगेगा, मंदिर में दर्शन करने में आपका कितना समय लगेगा, हर एक छोटी सी छोटी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जो भाई लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही खूबसूरत धार्मिक जगहों पर वीडियो बनाता रहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक जरूर कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, समय को न बर्बाद करते हुए वीडियो को आप शुरू करते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, यह है हल्द्वानी रेलवे स्टेशन। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं नैनीताल के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक घोड़ाखाल गोलू देवता मंदिर। यहां से अब हम जाएंगे हल्द्वानी बस स्टैंड। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से हल्द्वानी बस स्टैंड की दूरी लगभग 400 मीटर होगी। आपको रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड के लिए यहाँ से लोकल बैटरी रिक्शा टेम्पो मिल जाएंगे। दोस्तों, मैं पैदल ही जाऊंगा। पैदल आप 10 से 15 मिनट में बहुत ही आसानी से हल्द्वानी बस स्टैंड पहुंच जाएंगे। हल्द्वानी बस स्टैंड से मैं घोड़ाखाल गोलू देवता मंदिर के लिए निकल चुका हूं। दोस्तों, घोड़ाखाल मंदिर के लिए आपको हल्द्वानी से डायरेक्ट बसें नहीं मिलेंगी। घोड़ाखाल मंदिर पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले पहुँचना होगा भवाली। हल्द्वानी से भवाली के लिए आपको हर आधे आधे घंटे में बसें बहुत आराम से मिल जाएंगी, जिनमें शेयरिंग में 80 रुपये पर व्यक्ति किराया है हल्द्वानी से भवाली तक का। रानीखेत, अल्मोड़ा, कैंची धाम को जाने वाली किसी भी बस में आप बैठ जाइए, सारी बसें भवाली होकर ही जाती हैं। सफ़र के दौरान आपको बड़े बड़े पहाड़ और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आएगी। जिन्हें फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, रील्स बनाने का शौक़ है, उन लोगों के लिए ये यात्रा बहुत ही मज़ेदार रहेगी। दोस्तों, हमारी बस भवाली चौक पर पहुंच चुकी है। सभी बस वाले आपको यहीं पर भवाली चौक पर ही उतारेंगे। अभी दोस्तों टाइम हो रहा है 9:20 हो रहे हैं। हल्द्वानी से भवाली पहुँचने में हमें तकरीबन बस में 1 घंटा 20 मिनट का समय लगा है। जहाँ पर मुझे बस वाले ने उतारा था भवाली चौक, वहीं से हमें घोड़ाखाल गोलू देवता के लिए टैक्सी कैब मिल जाएंगी। हर 15-15 मिनट पर आपको घोड़ाखाल गोलू देवता मंदिर के लिए यहाँ से टैक्सी कैब बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। दोस्तों, मैं कैब में बैठ चुका हूँ। शेयरिंग में घोड़ाखाल मंदिर तक का 50 रुपये पर व्यक्ति किराया है। हमारी कैब भवाली चौक से निकल चुकी है। भवाली चौक से घोड़ाखाल गोलू देवता मंदिर की दूरी लगभग 4.5 किलोमीटर होगी। 10 से 15 मिनट में आपको कैब वाला बहुत ही आसानी से घोड़ाखाल गोलू देवता मंदिर पहुंचा देगा। सफ़र में आपको बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारे देखने को मिलेंगे। घोड़ाखाल मंदिर दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। मैंने टैक्सी वाले से भी पूछा, उन्होंने भी बताया कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, दूर दूर से लोग यहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं। दोस्तों, आप भी गोलू देवता मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। हम घोड़ाखाल मंदिर पहुँच गए हैं। आपको कैब वाला ठीक घोड़ाखाल मंदिर के सामने ही उतारेगा। पहाड़ी के ऊपर दोस्तों घोड़ाखाल मंदिर है। यहाँ से दोस्तों आपको भीमताल का खूबसूरत नज़ारा भी देखने को मिलेगा, जैसा कि आप वीडियो में सामने देख रहे हैं, यह है भीमताल। यहाँ पर दर्शन करने के बाद मैं भीमताल ही जाऊँगा। जहाँ पर मुझे कैब वाले ने उतारा था, वहाँ पर कई दुकानें भी हैं जहाँ से आप मंदिर में बांधने के लिए घंटियाँ और चिट्ठी खरीद सकते हो।
मंदिर के बाहर घोड़ाखाल गोल देवता मंदिर का इतिहास भी लिखा हुआ है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। आइए दोस्तों, अब मैं आपको घोड़ाखाल मंदिर के ऊपर ले चलता हूँ। आइए अंदर देखते हैं कैसा नज़ारा है मंदिर का। ये देखिए लोगों ने चुन्नियाँ बांध रखी हैं। यह गोलू देवता मंदिर नैनीताल ज़िले के भवाली जगह पर घोड़ाखाल नामक स्थान पर स्थित है, इसलिए इस मंदिर को घोड़ाखाल गोलू देवता मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर की बहुत मान्यता है और नैनीताल के प्रसिद्ध मंदिरों में से ये मंदिर एक है। दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए, अर्जी लगाने के लिए आते हैं। इस मंदिर को यहाँ पर घंटी वाला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर परिसर में चारों तरफ आपको घंटियाँ और चिट्ठियाँ बंधी नज़र आएंगी। दोस्तों घंटियाँ ही घंटियाँ नज़र आएंगी आपको, हर तरफ घंटियाँ ही घंटियाँ। ये देखिए घंटियाँ ही घंटियाँ, पूरे मंदिरों में घंटियाँ बांध रखी हैं लोगों ने। ये देखिए हर तरफ, चारों तरफ। अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पर मन्नत मांगनी है तो उसे एक चिट्ठी लिखकर और एक छोटी घंटी के साथ यहाँ पर बांधना होता है, जिससे उसकी मन्नत पूरी हो जाएगी। क्योंकि गोलू देवता को न्याय का देवता भी माना जाता है। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी हो, वो व्यक्ति यहाँ पर चिट्ठी लिखकर बांध दे, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। और यहाँ पर इस मंदिर में घंटियाँ भी चढ़ाई जाती हैं। यहाँ पर हजारों की संख्या में घंटियाँ हैं, सभी घंटियाँ अलग अलग आकार की हैं। छोटी सी छोटी घंटी से लेकर बड़ी सी बड़ी घंटियाँ यहाँ पर बांध रखी हैं। इस मंदिर के प्रमुख देवता की फ़ोटो लेना वर्जित है। मैंने भी चिट्ठी दोस्तों यहाँ बांध दी है। आप देख सकते हैं कितने सारे लोगों ने यहाँ पर चिट्ठियाँ और घंटियाँ बांध रखी हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति की यहाँ पर मन्नत पूरी हो जाती है, तब वो श्रद्धालु अपनी श्रद्धा अनुसार यहाँ पर एक घंटी बांध कर जाता है। यह मंदिर प्रतिदिन श्रद्धालुओं के लिए सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। दोस्तों आप कभी भी नैनीताल भीमताल घूमने के लिए आएँ तो इस मंदिर को भी अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत यह मंदिर है। इस मंदिर में बंधी इतनी सारी घंटियों के अनुसार आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितने लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। इसलिए आप कभी भी नैनीताल यात्रा पर आएं तो इस मंदिर में दर्शन करने के लिए ज़रूर आइएगा। एकांत में ये मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर आकर आपको बहुत शांति और सुख प्राप्त होगा। इस मंदिर के प्रमुख देवता सफ़ेद घोड़े पर सवार हैं, जो सबके साथ न्याय करते हैं। यहाँ पर आया कोई भी श्रद्धालु खाली हाथ नहीं जाता। अभी टाइम हो रहा है दोस्तों मेरी घड़ी में 10:15 हो रहे हैं। 40 मिनट में दोस्तों हमने यहाँ पर अच्छे से दर्शन कर लिए हैं। 40 से 45 मिनट का समय बहुत है यहाँ पे दर्शन करने के लिए। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत मंदिर था। अगर आप कभी भी नैनीताल या भीमताल घूमने आए तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और यहाँ पर सभी की मनोकामनाएं गोलू देवता भगवान जरूर पूरी करते हैं, इसलिए एक बार यहाँ पर आप जरूर आइएगा। दोस्तों अब वीडियो को मैं समाप्त करूँगा। इस वीडियो में मैंने इस मंदिर के बारे में आपको सभी जानकारी दे दी है। हल्द्वानी से गोलू देवता घोड़ाखाल मंदिर कैसे पहुँचे 130 रुपये खर्चे में, वो भी मैंने जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी है। कहाँ पर आपका कितना किराया लगा और कितना समय लगा, कहाँ कहाँ आपके कितने रुपए खर्च हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। मात्र 130 रुपये हमारे खर्च हुए हैं हल्द्वानी से घोड़ाखाल मंदिर पहुँचने में। हल्द्वानी से भवाली हम पहुँचे बस के द्वारा 80 रुपये में। फिर हम भवाली से घोड़ाखाल मंदिर पहुँचे कैब के द्वारा 50 रुपये में। टोटल 130 रुपये हमारे खर्च हुए हैं। अब यहाँ से मैं वापसी भवाली जाऊँगा, फिर वहाँ से नैनीताल या भीमताल के लिए निकल जाऊँगा घूमने के लिए। दोस्तों इस वीडियो को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने 2-4 दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी कभी भी नैनीताल यात्रा पर आएँ तो इस खूबसूरत और प्रसिद्ध मंदिर में दर्शन जरूर कर सकें। बाय बाय दोस्तों, अब मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।
जाम हुआ है, अब भी निकल जा रहा है, टैक्सी जाम हुआ है, इस पर टैक्सी का खोया है।